नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और तरुण के साथ मैं निखिल उदयपुर में हूँ, मेवाड़ का हेडक्वार्टर राजस्थान में। ये हम लोगों का पहला स्टॉप है और शुरुआत हमने की है उस वर्कशॉप से जो हम लोग फेसबुक के लिए जगह जगह जाके फेक न्यूज़ पर कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में हैं और ये डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का ऑफिस है। सामने फैकल्टी है यूनिवर्सिटी के और पीछे ज़्यादातर सोशल वर्क से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, गेस कि बाकी डिपार्टमेंट से भी हैं। ठीक है, आप सबका शुक्रिया वक्त देने के लिए। वर्कशॉप, हम लोग इस वर्कशॉप की जहाँ भी नींव रखते हैं, मैंने सबसे कहा अपना फ़ोन साइलेंट रखने को, मैंने नहीं किया खुद, सॉरी। हम लोग जहाँ भी ये वर्कशॉप की नींव रखते हैं, एक बहुत बेसिक चीज़ से चालू करते हैं क्योंकि यही चीज़ पकड़ना सबसे ज़रूरी है। सच, झूठ और अफवाह, कोई भी वॉलंटियर जो ये बताना चाहे कि सच, झूठ और अफवाह में क्या फ़र्क होता है। बहुत बेसिक, मतलब मैं बहुत ऐसा गंभीर क्वेरी नहीं है, आपको क्या लगता है कि सच, झूठ, अफवाह में क्या फ़र्क होता होगा? आप लोग सोचिए, तब तक के आपके फैकल्टी से हम पूछते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? सुधा चौधरी। मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को प्लीज़ थोड़ा बताइए कि सच, झूठ और अफवाह में क्या फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि सच तो तथ्यात्मक है, वस्तुगत है, और उसमें आप अगर वो उसको ये कहें कि आप बताइए कि सत्य कैसे, सच कैसे है, तो आप प्रमाणित कर सकते हैं उसको। झूठ है वो सच के इर्द गिर्द ऐसा मंडा जाता है कि उसमें ये जैसे भ्रम पैदा करने वाली जो बात होती है, और उसमें बहुत कम जो तथ्यात्म स्थिति होती है, बाकी उसका सहारा लेकर के उसके जो अनेक तरह की जो यथार्थ चीज़ें हैं वो उसमें जोड़ दी जाती हैं। और अफवाह है वो उन्हीं के झूठ के आधार पे ही कुछ इस तरह का बना देते हैं उसमें, जिसमें ये लगता है कि फिर आगे से आगे ख़ास तौर से सोशल मीडिया में वो चलता है, और अफवाह में किसी भी तरह का कोई तथ्य, किसी भी तरह की कोई सच्चाई उसमें नहीं रहती है। एग्जैक्टली, आपने मतलब लगभग 20 मिनट हमारे बचा लिए हैं, क्योंकि इसी बारे में ये सारी बातें हैं। सच सिर्फ वो हो सकता है जिसके लिए आपके पास तथ्य हो प्रमाण देने के लिए, नहीं है तो वो झूठ ही होगा। अफवाह, मैडम ने बताया, लेकिन एक बार पीछे तक जिनको आवाज़ नहीं गई थी, अफवाह भी एक तरह का झूठ होता है, लेकिन वो सिर्फ झूठ नहीं होता है। अफवाह का हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, अफवाह का एक हेतु होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी में भी कलीग्स हैं, कई बार जानबूझ के नहीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, और उन बातों में कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सही नहीं होती हैं। वो हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं कि हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि हुआ क्या था, तब हम जो बात कह रहे होते हैं किसी के बारे में, किसी लड़के के बारे में या किसी लड़की के बारे में, कोई कहाँ दिखा, कौन किसके साथ में था, वो बात कहने के पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। और जब पर्सनल लेवल पे होता है, वन ऑन वन होता है, तब इससे ज़्यादा नुकसान होता नहीं। बहुत हुआ आपको तकलीफ़ होगी, बहुत हुआ आप जिसके बारे में बात करें उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन जब ये तकलीफ़ बड़ी होती है, कितने लोग इस तस्वीर को तो सबने देखा ही होगा, मैं पीछे आता हूँ या यहीं से पूछ लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित, आपने इसके साथ क्या सुना था? GPS चिप और कुछ? मैं GPS चिप्स, हम लोग अभी गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात में वैसे GPS चिप वाला जवाब सब जगह मिलता है। हमें गुजरात में हमने ये भी सुना कि वहाँ तो ये भी कहा गया था साथ में कि इससे ऐप डाउनलोड होता है, और वो होलोग्राम वाले जो भाषण चल रहे हैं PM के, वो भी दिखाएगा। हाँ, इससे पहले हम लोग 6 वर्कशॉप्स कर चुके हैं, उसमें से लगभग हर वर्कशॉप में हमें ये भी बताया गया, हर जगह अफवाह का नेचर बदला हुआ था। गुजरात में मैंने पहली बार सुना था ये, लेकिन चिप हर जगह, ये कैसी अफवाह थी जो लगभग हम सब तक पहुँची थी, और अब शायद हम नहीं माने लेकिन लगभग हम सब ने यकीन भी कर लिया था, या हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे यकीन करने के, क्योंकि प्रेस ने भी इसे कवर किया था, चैनल्स में आ गया था, वीडियोस इस पे बन गए थे, और हमें लगा था कि क्रांति हो गई है, लेकिन नहीं हुई थी। तो ऐसी अफवाहें कैसे पहचानी जाएं और उनसे कैसे बचा जाए, उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई है जो फेसबुक पे नहीं है? सर, आप नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं,
लेकिन मेजॉरिटी है, ठीक है, जो लोग होते हैं वो बताते नहीं, इसलिए जो लोग नहीं हैं मैं उनसे पूछता हूँ। सर आपको क्या लगता है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बिहेवियर ऐसा अलग क्यों होता है? मुझे इसका कोई विशेष अनुभव नहीं है, मेरा तो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन बिहेवियर एक ही रहता है। लेकिन जो आपने लोगों को नोटिस किया हो जैसे, हाँ, हो सकता है ऑनलाइन ज़्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करते हो, ऑफलाइन आदमी इतना स्मार्ट नहीं रहता है। एग्जैक्टली, और इसकी वजह क्या लगती है सर आपको? ये तो मुझे लगता है कि चूंकि ये खेल युवाओं का ज़्यादा है तो युवा लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से उतर के पास चलते हैं। कोई ऐसा युवा जिसने ये ऑब्जर्व किया, ऐसे दोस्तों का पेयर बैठा है कोई यहाँ पे, जो दो दोस्त हों, आप दोनों हैं, अच्छा आप लोगों से पूछते हैं फिर। दोस्त आपका नाम क्या है? कमलेश। आपके दोस्त का नाम क्या है? हर्षद। हर्षद, ठीक है। हर्षद जैसे फेसबुक या इंस्टा पे हैं वैसे असल लाइफ में भी हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल है, हम ज़्यादा दूर आए नहीं हैं शायद पोरबंदर से, बड़ी ईमानदारी। लेकिन ये आपको जैसे सर ने कहा हम एक्सेप्ट करें नहीं करें, इसमें फ़र्क है हमारे ऑनलाइन बिहेवियर में हमारे ऑफलाइन बिहेवियर में। जैसे आप अगर अभी मेरा भी प्रोफाइल आप खोल के देखेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों होता है? प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को वो दिखाना चाहते हैं जो हम असली में शायद नहीं होते हैं। हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं या मोर इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए हम अपने आप को अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। हाँ, लेकिन इससे हमें समझ में क्या आता है इस फिनोमेना के बारे में? जब आप आमने सामने होते हैं और जब आप तब आप जो भी कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, जो मैंने कपड़े पहने हैं, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे टाइम एक फीडबैक मैं लेते चल रहा हूँ साथ में अपने, कि मेरी कही हुई बात का असर क्या होता है, मेरे जेस्चर्स का असर क्या होता है, मैं किसी को छूता हूँ तो उसका नतीजा क्या होता है। ऑनलाइन दुनिया में आपको इससे मुक्ति मिली हुई है, आप तुरंत नतीजे नहीं भुगतते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलती है, या वो प्रतिक्रिया आती है तो आप आँख बंद कर सकते हैं, ब्लॉक करते रहिए या कमेंट्स डिलीट करते रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी माँ एलर्जिक हैं गुलाब से, मैं ये हर वर्कशॉप में बताता हूँ, तो वो गुलाब आप उनको कोई देगा तो उनको छींक वगैरह आती है, उनको तकलीफ़ होती है, खुजली होने लगती है। और मेरी माँ का एक ही बेटा है जो यहाँ है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स में बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस हैं जिसमें मम्मी ने मुझे गुलाब भेजा है, जो वो कभी मतलब पता नहीं उनका ध्यान क्यों नहीं गया, मैंने उनके साथ वर्कशॉप नहीं किया है शायद इसलिए। हमको तुरंत प्रतिक्रिया का डर नहीं होता है, हमको तुरंत नतीजे मिलते नहीं है, इसलिए हमारा ऑनलाइन बिहेवियर हमारे ऑफलाइन बिहेवियर से कई बार अलग होता है। फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको लगे कि एक दीवार है जिसके पीछे मैं छुप सकता हूं, लेकिन जितनी चीज़ें लीगल ऑफेंस मानी जाती हैं असल दुनिया में, आभासी दुनिया में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी वो सारी चीज़ें इलीगल ही होती हैं। अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल है, लीगल ऑफेंस है, किसी को हैरेस करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, या आपके कहे या बोले या फैलाई चीज़ों से हिंसा होती है, तो आईटी एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज हो सकता है और जो सामने बैठे हैं उनके करियर बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों को अपना करियर बनाना है, आप लोगों के 2 साल तक के जेल में जा सकते हैं। तो आपको थोड़ी सतर्कता बहुत काम आने वाली है आपके आने वाले टाइम में। अब नॉर्मली ये होता है कि हम लोग अपने हैंडआउट से ये चीज़ें बताते हैं कि इसका तरीका क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन बिहेवियर आप अपना एक जैसा कैसा करें। तो हैंडआउट में ये सारी चीज़ें हैं कि आप दयालु बने, आप संवेदनशील बने, समझदार बने, सहानुभूति बने, दयावान, दयावान दो बार है कि नहीं, दया और दया, अच्छा एक दयालु है, दयावान, एक विचारशील, विचारशीलता है। कितने लोग ये समझ सकते हैं एक बार पढ़ के? क्या हम एक बार मेरे बताने से या आपके बताने से मैं विचारशील या दयालु हो सकता हूँ? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब हो सकता है किसी का ग्रैस्पिंग पावर बहुत तगड़ा हो, लेकिन आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल है। तो क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक, क्या कोई मैथ्स का स्टूडेंट है यहाँ पे? नहीं। आप लोगों में से कोई मैथ्स का बैकग्राउंड? नहीं। मैथ्स वालों के पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं।
एक शॉर्ट ट्रिक आपके काम आ सकती है, वो ये कि आप ऑनलाइन दुनिया में वही चीज़ कहिए, वही चीज़ लाइक कीजिए, वही चीज़ शेयर कीजिए, वही चीज़ फॉरवर्ड कीजिए जो आप असल ज़िंदगी में करते। हिंसा भाषा की भी होती है, तो आप उस बात को तोल के देखिए कि क्या अमुक चीज़ जो मेरे सामने है वो भाषा की हिंसा ज़रूरी है उस पर, क्या मेरा रिएक्ट करना ज़रूरी है उस पर, और क्या मेरा रिएक्शन सही है या नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों को क्या लगता है नज़र आने नज़र क्या नज़र आता है, मैं सबके पास आ रहा हूँ धीरे धीरे। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? कनिका। कनिका जी, आपके लिए क्या है? सॉर्ट ऑफ बर्ड। सर आपके लिए? या सॉर्ट ऑफ बर्ड। मैम? बर्ड। और बर्ड, बर्ड के अलावा किसी को कुछ लग रहा है? ये पानी के अंदर से बतख ही हो गया, बर्ड ही, बतख बर्ड ही है, और बर्ड मतलब यहाँ एक जनरल कंसेंसस है कि ये है पक्षी ही है, और कुछ लोगों को बतख भी लगता है। कितने लोगों को एक खरगोश लगा था? आपने बोला नहीं था, अच्छा मैं चला गया। अब लग रहा है ये इस, ये अगर ये मुंह है, ये आँख है, और ये कान है, तो अब लग रहा है ना? और अब यहाँ ये जैसे ये उसका मुंह हो गया, ये उसकी आंखें हैं, ये उसके कान हैं पीछे, अब लगता है ना? एक और एग्जांपल है हम लोगों के पास, ये क्या है सर? Two faces. Two faces. And if you look at background, then a vase, flower vase. और मैं पीछे आता हूँ दोस्त। Two faces. Two faces. Two चेहरे. दो चेहरे दिख रहे हैं। दो चेहरे भैया। दो चेहरे. General consensus दो चेहरों वाला है। और चेहरे और गमले, अच्छा हमने दो 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 हमारे पास में जवाब हैं। चेहरे और गमले के अलावा किसी को कुछ लगता है ये? दरवाजा। हाँ मतलब देहरी तो लगती है वो कम से कम। हैंडआउट इन दो ही चीजों को लिस्ट करता है जो सर ने बताई थी, फूलदान या चेहरे। लेकिन ये जैसे कि सर कह रहे थे, देहरी भी है, दरवाजा भी है। कितने लोगों को ये शतरंज की गोटी लगा था? अब लग रहा है ये अगर आप बीच, अगर आप नीचे से शुरू करके ऊपर जाएं तो खाली होगा तो वास बन जाएगा, गमला फूलदान हो जाएगा, भरा होगा तो शतरंज की गोटी हो जाएगा। चेहरे, लोगों ने इस पर भी बहस की है वैसे, इससे हम पहले अलग अलग जगह वर्कशॉप्स में गए कि ये लोगों लड़का, इसमें से लड़का कौन है, इसमें से लड़की कौन है, कोई बता सकता है? बोथ आर सेम आई गेस, इधर लड़की है इधर लड़का। सर राकेश, सेम लग रहे सर, लड़की लग रहे दोनों। तो ये पूरा ही पता ही लगा सकते आप, ये जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि आप इस तरह से देखेंगे तो ये सेम लग रहा है, इसमें देयर इज नो डिफरेंस आई गेस। अच्छा किसी को ये लगा, मैं इससे पहले हमने जब तीन स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, तब राजस्थान भी आए थे, तो एमपी में एक जगह है बैतूल, वहाँ पे किसी ने ये कहा था कि इसके बीच में एक मिरर है जो दिखता नहीं है, ऑब्वियसली कांच का है, और ये उसका रिफ्लेक्शन है, और वो बात सही भी है क्योंकि ये दोनों इमेजेस ज्योमेट्री के हिसाब से आइडेंटिकल है,
लेकिन जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इसमें से ये लड़का लड़की हो सकती है, तो तब हमारा दिमाग वैसे काम करने लगता है कि लड़की की नाक शायद थोड़ी सी, मतलब जो भी इमेज आपको आपके दिमाग में लड़की है उसकी नाक थोड़ी सी शार्प आपको लगने लगती है, तब आप उसके होंठों पे ध्यान, उसकी टोटी, इसको क्या कहते हैं आप लोग राजस्थान में, इसको क्या कहते हैं, चेन तो अंग्रेज़ी हो गया यार राजस्थान में, कब से अंग्रेज़ी, ठीक है क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं इसको, टोटी, ठीक है, आप लोग वहाँ पे ध्यान देने लगते हैं, लेकिन पिक्चर्स तो एक जैसी है। तो हमारे पास जितने जवाब थे क्या हम उसमें बहस कर सकते थे कि इसमें से कौन सा क्या है? आपकी आधी बात सही है, परसेप्शंस हैं लेकिन आप बहस नहीं कर, मतलब बहस करने को कर सकते हो लेकिन पहुंचोगे नहीं ना कहीं, बहस तो कर ही सकते, बहस हर चीज़ पे हो सकती है लेकिन बहस मतलब हमारे लिए वो बहस होती है जिसका कोई नतीजा भी निकले, अदरवाइज वो टाइम खोटी करके क्या मिलेगा। ये सारा नज़रिए का खेल है। सोशल मीडिया पे आपके जितने विवाद होंगे या होते हैं या हो सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो नज़रिए का फ़र्क ही होगा। आप एक ऐसी पिक्चर पे झगड़ रहे होंगे जो बिल्कुल एक जैसी है लेकिन उसमें से एक आपके लिए लड़की ही होगी, एक आपके लिए लड़का ही होगा। कोशिश आप ये रखिए कि कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा कंटेंट दिखेगा, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे विचार मिलेंगे जो आपको पहली नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तब आपको सिचुएशन तोल के देखना है कि क्या वो सिचुएशन आपका रिएक्शन भी वारंट करती है, क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है, क्या आप लेट अस एग्री टू डिसएग्री वाले मोड में जाके उस बात को पीछे छोड़ सकते हैं। मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत बोरिंग हैं लेकिन इस वर्कशॉप में होता है, जब आप कम से कम पीछे वाला जो क्राउड है वो बंधुआ फील करता है और करेगा। मुझे भी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं स्टूडेंट से कहीं काम करते हुए, और तब मुझे भी इस तरह की वर्कशॉप्स बोरिंग लगती थी, लेकिन ये क्यों की जा रही हैं? मृत्यु एक बहुत फाइनल चीज़ है, कितने लोगों ने करीब से देखी है? मैं ऐसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं पूछूंगा, बहुत दुखद होता है। और जैसे एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, और किसी ने, सर ने देखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है करीब से, उन लोगों के लिए मैं एक थोड़ा एक ग्राफिक पिक्चर आपको देता हूँ, मैं किस तरह की मौत की बात कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में इसी तरह के विचार होते हैं कि एक आध दिन सोएं, और अगर मरना ही है अगर, तो एक आध दिन रात को सोएं, खा पी के बढ़िया जो उस दिन खाना था, और सुबह उठे तो फिर वो सब ऊपर से देखेंगे अपन, या नीचे से देखेंगे कि वो सीढ़ी लग रही है और सब रोना धोना, वो ये वो, यही हम लोग इसी तरह की मौत चाहते हैं, क्विक या पेनलेस। लेकिन जब किसी की पिटाई होती है, यहाँ पे बहुत लोगों ने पिटाई की होगी मेरे ख्याल, स्टूडेंट यूनियन से लोग हैं, आप लोग सब जवान हैं और आदमी क्रांति तो करनी होती ही है। आपने किसी ने किसी वैसी पिटाई देखी है कि जिसमें पिटते पिटते आदमी मर जाता है? उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्त, किसी को पिटते हुए मरने में, और वो बहुत देर तक मरता रहता है, तब उसको मौत आती है, और मारने वाले का भी उसमें अच्छा खासा लेबर जाता है। इतनी ग्राफिक मौत 30 या 35 से ज़्यादा लोगों की हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे फॉरवर्डेड मैसेज की वजह से जो सब्जी काटते काटते किसी ने भेज दिया होगा। जैसे मम्मी का गुलाब वैसे ही आता है, उठती हैं वो सुबह, वो मेरे सोने का टाइम सुबह, वो उसी टाइम उठती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अभी बात कर सकते हैं, तो वो मैसेज भेज के देखती हैं कि ये जगह है नहीं जगह है, तो कई बार गुलाब भेज देती हैं। वैसे ही मैसेजेस बच्चे चोरी के लगातार फॉरवर्ड हुए थे, अभी से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है साउथ में, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और वो इसी तरह की डेथ्स थी। तो क्या कोई किसी भी अपराध के लिए उस तरह की मौत डिजर्व करता है? ना तो बोल दो, ना तो बोल दो, सबने अभी भी नहीं बोला है। इसलिए इस तरह की बोरिंग वर्कशॉप्स की जाती हैं, ताकि जो चीज़ें मालूम भी हैं, जो चीज़ें हम जानते भी हैं, जितना विवेक हमारे पास है भी, वो एक बार और हैमर हो जाए, हमारे दिमाग में ढंग से दर्ज हो जाए। जो लोग जानते हैं वो लोग भी एक बार वर्कशॉप अटेंड करके जाते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि यार ठीक है, मैं एक घंटा किस चीज़ के लिए बोर हुआ था आज, इस चीज़ के लिए। तो करने से पहले आप सोचते हो कई बार, कई बार आपके कॉन्वर्सेशंस किक होते हैं, आप दुकान चाय में बैठते हैं, आज कहाँ गए थे यार, एक वर्कशॉप थी, क्या थी ये, तो उसके दिमाग में जाता है। और यही इस वर्कशॉप को जगह, हमारे लिए ये बहुत आसान है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग वेब पे काम करते हैं, हम लोग डिजिटल हमारा प्रोफाइल है पूरा। हम लोगों के लिए बहुत आसान था एक वीडियो बना के आपके फ़ोन्स पे वो उसको भेज देना, नंबर्स तो हमारे पास निकल आते आप लोगों के, यहाँ प्रोजेक्टर लगा के उस वीडियो को दिखा देना, लेकिन वो होता नहीं है। अफवाहें, कितने लोग यहाँ पे उदयपुर के लोकल हैं या कुछ वक्त से उदयपुर में रह रहे हैं? सर आप रह रहे हैं, सर आपको ऐसे कोई मिसाल याद आती है जब उदयपुर में कोई अफवाह चल रही हो? अफवाहें तो अक्सर होती रहती, चूँकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ तो एक अफवाह जो जनरली फैलती है एग्जामिनेशन के आसपास की पेपर लीक हो गया है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, आम बात है उसकी अफवाह। और फिर यूनिवर्सिटी क्लैरिफिकेशन निकालती है कि नहीं नहीं पोस्टपोन नहीं होने जा रहा है, होता ही है। जी, गणेश को दूध पिलाने वाली जो अफवाह थी वो प्रॉब्ली भारत के इतिहास की पहली एक, तो एज ए यंग बॉय आई सॉ दैट वाज द फर्स्ट र्यूमर व्हिच वाज स्प्रेड लाइक अ रियलिटी। उदयपुर में भी पिलाया था फिर लोगों ने? बिल्कुल, सब जगह हुआ था वो। ओके, क्या नाम है सर मंदिर का? बोरा गणेश मंदिर। अच्छा, और बहुत पुराना शायद वो भी मंदिर है क्या? ओके, चोटी कट जाती है अपने आप ही, ये चोटी कटवा वाली खूब फैली थी यहाँ पे। गोल्ड मैन का भी मैंने खूब सुना था यहाँ राजस्थान में, उधर अजमेर साइड के कोई बकरे का चेहरा लगा के घूम रहा है। एनीवेज, अफवाहें कैसी होती हैं, कैसे देख के कई बार आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन कैसे देख के पहचाने कि जो मेरे मुझे जो बताया जा रहा है वो अफवाह है? कैसे उदयपुर वालों से पूछते ऐसी सर कोई चीज़ जो बहुत अनलाइकली हो उदयपुर में? इफ़ यू टॉक अबाउट नेचुरल कैलमिटी, अर्थक्वेक नहीं आ सकता है बिकॉज वो उस जोन में नहीं है, अर्थक्वेक की जोन में। और अगर ऐसी कोई अफवाह आ जाएगी कि बहुत बड़ा सिलसिला आया है तो शायद वो अनलाइकली हुआ उदयपुर के। मुझे पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ कि हम किस जोन में फिलहाल खड़े हैं, लेकिन शायद ज्योग्राफिकली स्टेबल है आप कह रहे हैं। अगर तो जैसे हम लोगों के वहाँ वो है नर्मदा फॉल्ट, जबलपुर, तो वो भी काफ़ी जबलपुर में भूकंप आया काफ़ी बड़ा, लेकिन जबलपुर काफ़ी ज्योग्राफिकली स्टेबल है, उसके नीचे की ज़मीन बहुत मजबूत है। तो ऐसे जो दिल्ली की तरह के झटके, दिल्ली में आप हर 20 दिन में एक आध होता है, तरुण महीने में एक बार तो हो जाता है यार हल्का वाला भूकंप, माइनर वाला, तीन चार कई बार हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, मतलब हर बार वो खाली भी नहीं करते हैं। दिल्ली में तो महसूस किया मैंने। जी, हुआ था, मैं दिल्ली में था और नोएडा के अंदर एक कॉन्फिडेंशियल वर्कशॉप चल रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, कोई पर्चा बना रहे थे तो लगा सब कुछ हिल रहा है, भाग के नीचे सब जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से नीचे आए। वो एक बड़ा था, लेकिन दिल्ली में मतलब जैसे तरुण मेरी बेइज्जती कर चुका है, लेकिन फिर भी बाकी लोग दिल्ली में एक थोड़ा नॉर्मल है। दिल्ली में जो माइनर क्वेक्स हैं वो आते रहते हैं, कई बार फील नहीं होता है, लेकिन जैसे उदयपुर नहीं है तो यहाँ पे आप यहाँ ट्रेमर्स महसूस कर सकते हैं, बट वो जो लार्जर स्केल का 6-7 रिक्टर स्केल का वो नहीं आएगा कभी। अफवाहें ज़्यादातर वैसी ही होती हैं जो आपको बहुत हैरान करती हैं, जैसे वो थी कि कोई मूर्ति, क्या मेरे मूर्ति बोलने से कोई ऑफेंड होता है या गणेश जी बोलना पड़ेगा, है तो मूर्ति ही, दूध पीने लगी, ठीक है, हैरान करने वाली चीज़ है कि कैसे कर सकते। उदयपुर में भूकंप बहुत बड़ा, 6-7 भगवान न करे आए, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है। और कोई चीज़ जो बहुत बर्फ़ पड़ी है कभी उदयपुर में? ओला नहीं कह रहा हूँ मैं, बर्फ नहीं पड़ी होगी आई गेस, ओला खूब पड़ा होगा, बाढ़ आ जाना, इसी तरह की बहुत हैरान करने वाली जानकारियाँ होती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ी अनलाइकली है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे झूठ माने, लेकिन आपके दिमाग में एक डिग्री का संशय पैदा होना चाहिए। हम लोग क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अफवाहों की बात कर रहे हैं, एक चीज़ में जानना चाहता, यहाँ पे कितने लोग ऑनलाइन खबर पढ़ते हैं, फ़ोन पे या डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे आप लोग पढ़ते हैं? और युवा तेज कहाँ व्यर्थ हो रहा है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया, आप भी पढ़ते हैं, एक माइनॉरिटी है, लेकिन बाकी लोग कभी ना कभी पढ़ेंगे। जैसे मैं नहीं पढ़ता था इसलिए मैं पत्रकार बन गया, अब मुझे पढ़ना पड़ता है, ऐसा भी होता है।
जब आप खबर कोई पढ़ रहे हैं तो कैसे पता करें कि आप एक सही सोर्स पे हैं कि नहीं? कितने लोग URL से वाकिफ हैं? आप हैं सर। स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे हाँ या ना दोनों नहीं बोलने की परंपरा है क्या? असहयोग आंदोलन, ले तुम बैठा लोगे लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, होता है, चलता है। URL, अगर आप किसी वेब पेज पे हैं या अगर आप फ़ोन में, आप इंटरनेट पे हैं, तो सबसे ऊपर आपको एक स्ट्रिप नज़र आएगी जिसमें वो www. वाला एड्रेस, वो एक एड्रेस है उस पेज का जहाँ भी आप जो भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे अब एक वॉलंटियर चाहिए। दोस्त, आपका नाम क्या है? माइक ले लीजिए। हरचंद जी। हरचंद, हरचंद जी, मैं नहीं आपकी उम्र पूछूंगा लेकिन फिर भी मोटा अंदाज उम्र का 20, 21, 21 साल। जब से आपने लिखना सीखा है, क्या आपने कभी अपना नाम गलत लिखा है? नहीं। अच्छा, कभी ऐसे गलत लिखे तो क्या होगा? ठीक है, लिख दिया गलत, दोबारा लिखोगे, यही होगा। लेकिन कभी कोई जिम्मेदार न्यूज़ मीडियम अपना नाम गलत नहीं लिखेगा। एक दो प्लेटफॉर्म्स के यहाँ नाम लिए गए, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई इंडिया टुडे पढ़ता है। क्या ये कंपनीज, क्या ये न्यूज़ मीडियम्स कभी अपना नाम गलत लिखेंगे? और इन सब का नाम आपको मिलेगा उनके URL में। हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया न लिखे, हो सकता है वो TOI लिखे, हो सकता है इंडिया टुडे पूरा न लिखे, IT लिखे, अलग अलग तरीके, लेकिन जो भी उन्होंने फिक्स किया है वो उसे कभी गलत नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि उदयपुर में 4 दिन से बर्फ़ पड़ रही है, पाइपलाइन जम गई है, ऑब्वियसली जो लोग उदयपुर के होंगे वो लोग तो उसे खारिज कर देंगे, लेकिन बाहर वाले हैं, ऐसी कोई जानकारी जो आप कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका URL चेक कीजिए। क्या आपको इंडिया टुडे में 2 या 3 I दिख रहे हैं इंडिया में? क्या .com में एक M ज़्यादा लगा हुआ है? इस तरह की चीज़ें आपको ये पहचानने में मदद करेगी कि आप एक ज़िम्मेदार न्यूज़ पोर्टल पे खबर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो एक अफवाह हो, हो सकता है वो एक ऐसा संस्थान हो जो फेक न्यूज़ फैलाता है। ठीक, ये आपका URL वाला हुआ। अच्छा, सोर्स आ जाए अगर बाढ़ उदयपुर में, तो क्या ऐसा होगा कि सिर्फ ललन टॉप को पता चलेगा? जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग उदयपुर में अखबारों से जुड़े, मेरे ख्याल 10-1 अखबार तो कम से कम यहाँ होंगे ना सर, आप बहुत पहले से हैं। स्थानीय भी हैं, प्रादेशिक भी हैं, राष्ट्रीय भी हैं, सब तरह के अखबार आते हैं। मतलब 10 मैंने छोटा ही नंबर बोला है, ये आप लोगों का ये शायद संभाग भी नहीं, छपते भी होंगे और यहाँ बाकी नेशनल वाले भी तो करते होंगे ना, सर्कुलेशन सबका है। और ये संभाग हेडक्वार्टर में है हम लोग। अच्छा, तो 100 तक, तो फिर 100 या 200 होंगे फिर, अगर आप छोटे छोटे पत्रिकाएं सब मिला लें तो ज़्यादा ही होंगे, पाक्षिक ये वो जो सब होते हैं, सांध्यकालीन वगैरह वगैरह। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होगी तो ये सब के सब 200 के 200 को पता चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के पास एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आएगी। मल्टीपल सोर्स, आपके पास कोई ऐसी जानकारी जो आपको बहुत परेशान करती है, आप उसे मल्टीपल सोर्सेज पे कन्फर्म कीजिए। लेकिन कई बार आपके सामने एक तस्वीर होगी या एक वीडियो होगा जो उदयपुर का ही होगा, और उसमें ऐसी कोई चीज़ होगी जो बिल्कुल उदयपुर की लगती है, तब आप क्या करेंगे? जी, लोकल सोर्सेज से कन्फर्म करेंगे कि वहाँ पे सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, क्योंकि आप उदयपुर के हैं। लेकिन जो जिसके पास ये एक्सेस नहीं है लोकल सोर्सेज पे, वो क्या करें? पिक्चर है, वो दिख रहा है बिल्कुल सूरज पोल, उसमें एक तरीका ये है, अगर आप रिवर्स सर्च उस गूगल, हर प्लेटफॉर्म पे होता है, गूगल क्रोम पे थोड़ा आसान है, आप क्रोम पे किसी इमेज को खोलिए, उसको अगर आप फ़ोन पे तो एक बार उसको टैप करके रखिए, उस पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, 4-6 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप उस इमेज को रिवर्स सर्च कर सकते हैं। सर्च गूगल फॉर इमेज आप करेंगे, वो रिवर्स जितने बार वीडियो या पिक्चर या उसका स्नैपशॉट उसके सर्वर पे आता है वो उतने बार दिखाएगा आपको। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि उदयपुर में 2 दिन पहले कुछ हुआ है, 2 दिन से पहले नहीं नज़र आएगी आपको,
कि साथ में डेट भी दिखाता चलता है। अगर 3 महीने पहले की है तो आप उसको वहाँ पकड़ गए कि ये पुरानी है। वीडियो में आप मार्कर्स पे ध्यान दे सकते हैं कि हाँ उदयपुर का ही है लेकिन कौन से सीज़न का है। जैसे हम लोग अभी अप्रैल में है, अप्रैल ख़त्म होते आए, यहाँ पे ठीक ठाक टेम्परेचर हो गया है, यहाँ कोई मंकी कैप लगाता घूमता नहीं मिलेगा दोपहर 12 बजे, अनलेस मूड हो तब तक नहीं। उससे भी आपको उसका टाइम पता करने में मदद मिलेगी। कई बार जैसे मेरे ये कई बार मार्केट प्लेसेस में समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाज़ार तो हर जगह का एक तरह का ही होता है, हर जगह का बाज़ार सकरा होता है, हर जगह गलत पार्किंग होती है, हर जगह वैसी दुकानें होती हैं। तो अगर राजस्थान का कोई और शहर है, नंबर प्लेट्स पे आप ध्यान दे के देख सकते हैं। तो उदयपुर पासिंग क्या है? 27 RJ 27। उदयपुर का अगर बाज़ार है तो अलग पासिंग गाड़ियाँ भी होंगी, लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ RJ 27 होने वाली हैं। इस तरह के विजुअल मार्कर्स भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, कितने लोग यहाँ पे स्पूफ देखते हैं, मजाकिया वीडियोस आप देखते हैं? आप देखते हैं और आप भी देखते हैं। जो लोग, कई लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए फॉर द रिकॉर्ड, खबरों के भी स्पूफ बनते हैं, ठीक है? तो जैसे एक गंभीर एंकर एक गंभीर समाचार पढ़ता है, उसी तरह मजाकिया वीडियोस भी होते हैं, सटायर स्टोरीज भी होती हैं। जी जैसे पढ़ते हैं, हाँ, तो वो एक साइरस स्पूफ नहीं बनाते हैं मतलब, लेकिन वो एक सटायरिकल मतलब पीस होता है, ठीक है? वो व्यंग्य है, व्यंग्य मजाक जो भी आप उसको कह लें। यहाँ पे क्या है, कई बार ये होता है कि जैसे आप आपस में, जैसे फैकल्टी शायद आपस में करती होंगी, स्टूडेंट्स आपस में करते हैं, कई बार हम लोग मजाक करते हैं, हमारा इंटेंशन सही होता है, ठीक है, लेकिन वो लग गलत जाता है और आप कहते रहिए कि यार मैंने ऐसे नहीं कहा था, या मैंने ऐसे कहा था लेकिन उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन सामने वाले को जो चोट पहुंची होती है वो पहुंच चुकी होती है। ये न्यूज़ के साथ भी होता है, कई बार हम लोगों का निशाना सही लगता नहीं है, सटायर का, हमारे ही काम का, जो लोग मजाकिया वीडियोस बनाते हैं, जो लोग मजाकिया स्पूफ्स बनाते हैं न्यूज़ के, और उस वजह से कोई ऐसी चीज़ कन्वे हो जाती है जिससे डिस्टर्बेंस पैदा हुई। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां हम लोग समझाते समझाते थके हैं कि भैया ये मजाक था, और लोग उसको, तो दिल की लगी वाला सीन यहां भी है। आपका दिमाग इस तरह भी काम करना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो एक मजाक है। कई न्यूज़ पोर्टल्स ऐसे हैं जो लोग बाकायदा जो काफ़ी फ्रैंकली बताते हैं कि उनकी ये स्टोरी, अमुक स्टोरी सटायर है, मजाक है। जो नहीं बताते हैं वहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड डिप्लॉय करना है। व्हाट्सएप नहीं, जो फेसबुक चलाते हैं क्या वो व्हाट्सएप चलाते हैं? 4 लोगों ने कहा था कि वो फेसबुक नहीं चलाते हैं। सर आप व्हाट्सएप भी नहीं चलाते हैं, तो आप फिर मतलब ऐसा काम कैसे चलता है आपका सर? मैसेजेस से, उसमें ज़्यादा कंट्रोल रहता है ना। और कोई है जो यहाँ पे व्हाट्सएप भी नहीं चलाता है? सब लोग चलाते हैं। व्हाट्सएप वाले सेक्शन में हम लोग कम टाइम लेते हैं, आप लोगों के पास में कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ हैं। बहुत सारे न्यूज़ जो फेक न्यूज़ में काम करते हैं वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो आदतन आलसी मिलेंगे आपको। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके अंदर, उन मैसेजेस में ग्रामेटिकल एरर मिलेगी आपको। कोई भी समाचार माध्यम, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पेपर का जवाब देने में गलती हो सकती है, लेकिन क्या फैकल्टी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज में गड़बड़ करेगी? होती है वैसे कभी कभी, लेकिन रेयर है, ठीक है? यहाँ भाषा का अनुशासन ज़्यादा है। वैसे ही खबर जो लोग लिखते हैं उनके पास भी भाषा का अनुशासन काफ़ी होता है, जब वो गलती करना चाहते हैं तब करते हैं, लेकिन अदरवाइज वो एक स्ट्रेट पीस होता है, ग्रामर के हिसाब से, सिंटेक्स के हिसाब से, चॉइस ऑफ वर्ड्स के हिसाब से। यदि आपको एक हल्की भाषा में लिखा हुआ, ये बहुत पॉलिटिकली गलत बात बोल गया मैं, लेकिन भावनाओं को समझो वाली बात है, बड़ी एक ऐसा कच्चा पक्का पीस है तब वो न्यूज़ नहीं होगा। एक ही तरह का टेक्स्ट आपको मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है व्हाट्सएप पे, संभावना है कि वो फेक हो, क्योंकि हर बार थोड़ा वर्जन तो चेंज होगा। इसके अलावा जो लोग बड़े ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ सावधानियाँ ये हैं,
ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे इसे रिपीट करना होता है हर वर्कशॉप में कि आप लोग ग्रुप नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उस पर डाल सकते हैं। स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप है अपना, तो उसमें आप लोगों ने क्या, उसमें सब लोग रिप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ वो एडमिन वाला आपने किया हुआ है? अच्छा, अलग अलग वाला आप लोगों ने, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए जो ग्रुप बनता है उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। एक कोई ग्रुप होगा जिसमें हर कोई जवाब दे सकता है, लेकिन उससे कई बार तकलीफ होती है काम करने में। तो जो बड़े जो आपके प्रेसिडेंट्स हैं यूनियन के, या जो सीआर वाला ग्रुप होगा, उसके अंदर इस तरह की सेटिंग्स होंगी कि सिर्फ एडमिन मैसेजेस डालते होंगे और बाकी लोग सिर्फ पढ़ते होंगे। ये सारे कंट्रोल्स आपके काम आएंगे। कितने लोग व्हाट्सएप पे स्पैम से वाकिफ नहीं है, ये एक ज़रूरी चीज़, ये एक नया फीचर है रिलेटिवली। कितना व्हाट्सएप पे स्पैम किया है कभी किसी ने? रिपोर्ट आपने किया है? मैं दिखा देता हूँ जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है, वैसे किया ही होगा। व्हाट्सएप अब आपको स्पैम्स रिपोर्ट करने का ऑप्शन देता है। आप ग्रुप के सबसे नीचे जाके देखिए, एक ऑप्शन आपके पास में एग्जिट का है, उसके नीचे आप रिपोर्ट स्पैम कर। स्पैम से होता यह है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप बंद हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो व्हाट्सएप आईडी बंद हो, लेकिन उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, और वो बाद में उसमें एक्शन लेते हैं। व्हाट्सएप रेगुलरली इस तरह के काम करता भी रहता है। अच्छा, ये सारी ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं वो काम ना आए तो क्या करें? और मतलब ये पूरी वर्कशॉप अगर एक फ्यूटल एक्सरसाइज निकल जाए, यार मज़ा तो आ ही नहीं रहा है वैसे, लेकिन काम का भी नहीं था कुछ, तो क्या करें? बहुत सारे न्यूज़ मीडियम्स अपने अपने लेवल पे फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं। जी सर, एल्ट न्यूज़ करता है, हम भी करते हैं रलन टॉप में पड़ताल के नाम से। अगर आप लगातार गलत बयानी या फेक न्यूज़ आप के पास आती रहती है, तो आप कई आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम कर सकते हैं। जो लोग अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं, ऑल्ट न्यूज़ इंग्लिश में ही काम करता है, हम हिंदी में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बात डिलीवर करते हैं। जैसे हम लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं, ऑल्ट वीडियोज़ नहीं बनाता है। जिसका तरीका आपको सूट करता है, जिस पे आपको एतबार होता है, भरोसा होता है, आप वहाँ से फैक्ट चेकिंग देख सकते हैं। नॉर्मली यही होता है, कोई अफवाह जब चलती है सोशल मीडिया पे, पहले एक दो दिन में, हफ्ते में उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और फैक्ट चेकर्स अपने यहाँ स्टोरीज करते हैं। आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक, कोई यहाँ पे ऐसा है फेसबुक पीड़ित, कभी किसी के साथ हुआ है, परेशान हो गया हो जो फेसबुक पे? नहीं, आप सब ने फेसबुक पे स्पैम किया होगा, लेकिन आप फेसबुक आपको फीडबैक देने का ऑप्शन देता है। हमारे यहाँ ज़्यादा लड़के हैं, और सुनने में नहीं ठीक लगेगा, और कई लोग कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन लड़के रिसीविंग एंड पे थोड़ा कम होते हैं फेसबुक पे, है ना? हम उत्पात मचाने वाली कौम हैं, लेकिन फिर भी कभी शिकार बने तो क्या करना है? आप किसी पोस्ट पर फीडबैक दे सकते हैं। आपके पास जो पोस्ट आती है उसके ऊपर तीन डॉट्स होते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, उस पर आप फीडबैक दीजिए। फीडबैक वाला जब ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो वो ऐसे नज़र आएगा कि क्या प्रॉब्लम है उस पोस्ट में। न्यूडिटी है, वायलेंस है, हैरेसमेंट है, सुसाइडल है कॉन्टेंट, या वो फॉल्स न्यूज़ है। अगर फेक न्यूज़ से जुड़ी हुई है तो आप फॉल्स न्यूज़ पे क्लिक कर सकते हैं, इसके बाद इसको सेंड कर दीजिए। फेसबुक के पास में बात चली जाती है कि आदतन कोई फेक न्यूज़ फैलाता है, और उसके बाद वो उसके ऊपर कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बहुत सारे फेसबुक पे पेजेस और बहुत सारे ग्रुप्स डिलीट हुए हैं, उनका सीधा संबंध फेक न्यूज़ से था नहीं था, वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन वो बिहेवियर पर बंद किए थे फेसबुक ने। वैसे इसी तरह की कार्रवाई वो फेक न्यूज़ फैलाने वालों पे भी करते रहते हैं, ट्विटर कई बार कर चुका है। ये वर्कशॉप का वो हिस्सा है जो मेरे एंड से रहता है। क्या कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इस वर्कशॉप में एड्रेस नहीं हुआ है? कोई चीज़ जानना यदि आप चाहते हो तो, वरना मैं आप लोगों को बख्श दूँ। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताया गया कि आप लोगों में से
जैसे मैं अभी गुजरात से आया, गुजरात में दोपहर का टाइम बड़ा कीमती होता है, लोग थोड़ा सा खा पी के सोना पसंद करते हैं। हम बहुत दूर नहीं है गुजरात से। बहुत बहुत शुक्रिया फैकल्टीज़ का, स्पेशली आप लोगों के वक्त का। सर हम शुक्रगुजार हैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का, या डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट सोशल वर्क के तो बच्चे हैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने ये प्रमाइसिस भी हमें उपलब्ध कराया और हमारा कोरम भी पूरा किया इस वर्कशॉप के लिए। थैंक यू। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।